से किक लगेगा और कहाँ से गाड़ी किक से चालू होगी, पूरा ही घिस गया, एक साइड से पूरा घिस गया। अब ये साइड का देखिए आप लोग, ये साइड पे कितना सा, और इस साइड पे देखिए पूरा ही घिस गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल यूके बाइक केयर में आप सभी का स्वागत है। मैं तो ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, क्लच प्लेट का है, ट्विस्टर का है, होंडा ट्विस्टर आती है, उसका किक लग नहीं रहा है, किक डायरेक्ट स्लिप हो जा रहा है। अभी खोलने जा रहा हूँ, खोल के और उसमें गाड़ी में पिकअप भी बिल्कुल नहीं है, तो खोलता हूँ और आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो पे आप बने रहिए, अगर हाँ चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो देखते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले हमने ऑयल निकाल दिया है, ऑयल की कंडीशन देख के लगी रही है कि पूरी खराब हो गई है। क्लच प्लेट अभी खोलते हैं, फिर देखते हैं कि क्लच प्लेट ही खाली गया है कि हब सेंटर भी गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर खोलते हैं। निकाल दिए, अब ये क्लच केबल निकाल देते हैं। यहाँ से क्लच केबल निकल गया है, उसके बाद से क्लच खोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं बोल्ट की साइज कैसे है इसके अंदर, सब एक ही साइज की है कि अलग अलग है। तो अभी हम लोग मिलाते जाएंगे सब निकालते हुए। सारे बोल्टों की साइज सेम है, माप लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखना नहीं है कि कौन सा बोल्ट कहाँ लगाना है। चलिए फिर इसको अब निकालते हैं। चलिए पैकिंग तो अच्छा है, पैकिंग नहीं फटा है। क्लच प्लेट खोलते हैं अभी पूरा इसको। सबसे पहले इसका बैलेंसर खोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी ये है ना कि इतना बड़ा दे दिया है कि ये नॉर्मल पाना नहीं लगता है। देखिए जगह नहीं है खोलने के लिए। बॉक्स स्पिनर तो ये देखिए नया भी मैं जिस लेके आया हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर बेंड हो गया या स्लिप हो गया तो फिर खुलेगा नहीं, इसलिए नया पाना लेके आके तुरंत इसको खोल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी गाड़ियों में आने लगा है तो ज़रूरत पड़ेगा ही, तो इसके लिए तुरंत लेके आ गए इसको। ये देखिए वाइसर है, फिर उसके बाद से ये निकालता हूँ उसके बाद। ये देखिए इसके पीछे भी एक वाइसर है। अब इसको क्लच प्लेट देखते हैं इसका, ये पूरा कट ही गया। कहाँ से किक लगेगा और कहाँ से गाड़ी किक से चालू होगी, पूरा ही घिस गया, एक साइड से पूरा घिस गया। अब ये साइड का देखिए आप लोग, ये साइड पे कितना सा, और इस साइड पे देखिए पूरा ही घिस गया था। पिकअप देगी कहाँ से गाड़ी, और किस लिए किक भी नहीं लग रही थी फ्रेंड्स। अभी देखिए इसको, खाली एक सिंगल वाला, बाकी सब देखिए, बाकी सब पूरा जल गया है। चलिए फिर क्लच प्लेट लाके डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ये क्लच प्लेट मैं लेके आ गया हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने ये लाइनिंग आया था तो इस पर फाइल मारा है मैंने, दोनों पे मारा है, क्योंकि बजट नहीं है। गाड़ी वाले भाई का बोले हैं कि सस्ते में ही करना है, तो क्लच प्लेट भी मीडियम ही लेके आया हूँ, और स्पेशल प्लेट एडिटिव जो पहले वाला वही रहने दिया हूँ। चलिए फिर ये देखिए, फिर ये प्रेशर प्लेट, फिर ये क्लच प्लेट देखिए ऐसा बनता थे, फिर ये प्रेशर प्लेट आ गया एक, फिर ये क्लच प्लेट, फिर ये प्रेशर प्लेट।
ये ऐसा है, तो इसको आप बैठाते हैं, बैठ गया क्लच पर। देखिए देखिए वाइसर, ये वाइसर यहाँ लगा दिया हमने धुलाई करके। पहले पीछे ये बूस है, देख सकते हैं ये बूस है पैर। ये देखिए ये बूस, फिर इसके पास ये क्लच आउटर, फिर ये वाइसर। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी इसको क्लच प्लेट के ऐसे वाइसर लगा दिए, अब ये फिटिंग करने जा रहे हैं। तो इसको ऐसे राउंड राउंड घुमा करके ही फिट होता है, डायरेक्ट मैच नहीं होता है कभी इसका। और ये बैठ गया, अब ये जब प्रॉपर बैठेगा तो ये नहीं घूमेगा, लॉक हो जाता है, और नहीं बैठा रहेगा तो ऐसे ही घूमेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये फिट हो गया, अभी ये वाशर है, वाशर के बाद से ये नट लग गया। ये नट टाइट करने के बाद से अभी स्प्रिंग लगाते हैं चारों, उसके बाद से ये देख रहे हैं आप, तो इसको बैठाएंगे। अगर अंदर डाल देंगे ना इसको स्प्रिंग को, तो टूट जाएगा, इसके लिए उसको अंदर नहीं डालते, बगल में रख के ही टाइट करते हैं कभी भी। कंडेंसर लगाते हैं, फिर उसके ये देखिए वाशर है, ये भी इसके अंदर आएगा, और ये इसका नट। इसको नट को टाइट करने के लिए हम स्पेशल पाना लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि सादा छोटा वाला पाना तो लगेगा ही नहीं। पैकिंग लगा हुआ है, पैकिंग पुराना है, पैकिंग पुराना है, इसीलिए देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ट्यूब मार देंगे, सिलिकॉन ट्यूब के लीकेज होने के चांस नहीं रहे। अब देखिए फिटिंग होने के बाद से इसको खाली ऐसे रखने के बाद से इसको ऐसे उठाते हैं, तो ये मतलब बराबर लगा हुआ है। ये देख लीजिए, अब लगा देते हैं फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, तो केक यहाँ ये लेवल देख के लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी गाड़ी में क्लच फिटिंग हो गया पूरी तरह से, इसका पिकअप देखिए आप, उठाओ भाई उठाओ, पूरा घिसा हुआ था, हाफ सेंटर इसका घिसा हुआ था, फिर भी पिकअप देख सकते हो, मीडियम क्लच पर डाला हुआ है, कुछ ओरिजिनल भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ।